नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 3 वर्षों के अंदर विकसित होंगे 160 पर्यटन स्थल। मोकामा गोपालगंज विधानसभा सीट के लिए मतदान हुआ संपन्न। इस व्यवस्था से कम होगी लंबित मामलों की संख्या। बेरोजगारी दर में इस स्थान पर पहुंचा बिहार। इन 2 IPS अधिकारियों का हुआ तबादला, मिला अतिरिक्त कार्यभार। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ITBP ने 287 रिक्तियों के लिए जारी किया भर्ती नोटिफिकेशन। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP ने विभिन्न ट्रेड में कांस्टेबल के कुल मिलाकर 287 रिक्तियों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता होनी चाहिए, जिसमें संबंधित पदों के अनुसार संबंधित ट्रेड में 10th या ITI पास होने के साथ ही वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन की तारीख 23 नवंबर से 22 दिसंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट itbpolice.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। 3 वर्षों के अंदर विकसित होंगे 160 पर्यटन स्थल। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग निरंतर काम कर रही है और इसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। राज्य को छोड़ दें तो देश और विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों को अच्छे से विकसित किया जाए ताकि पर्यटक इसकी ओर आकर्षित हों। इसी कड़ी में बिहार में अगले 3 साल में 160 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। इस कारण पर्यटन विभाग ने राज्य के सभी पर्यटन सर्किट के रास्तों में सुविधाएं बढ़ाने का निर्णय लिया है। इनमें पर्यटकों के रहने, खाने, मनोरंजन सहित हर तरह की ऑनलाइन सुविधाएं बहाल होंगी। यह पूरा काम करीब 3 वर्षों के अंदर कर लिया जाएगा। मोकामा गोपालगंज विधानसभा सीट के लिए मतदान हुआ संपन्न। बिहार के 2 विधानसभा सीट मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव के लिए बीते दिन मतदान संपन्न हुआ। मोकामा गोपालगंज विधानसभा सीट पर हुए मतदान की प्रतिशत की बात करें तो इन दोनों ही सीटों पर हुए मतदान का मिला जुला असर देखने को मिला। मोकामा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कुल 53.45% वोटिंग हुई है। वहीं गोपालगंज में 51.48% मतदाताओं ने मतदान किया। कुल मिलाकर दोनों सीटों पर वोटिंग प्रतिशत 52.38% रही। NDA से अलग होने के बाद जदयू का राजद सहित अन्य पार्टियों के साथ महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद इन सीटों पर चुनाव लड़ना एक अग्नि परीक्षा की तरह है। अब देखना यह होगा कि जनता ने बीते दिन क्या फैसला लिया है। मतों की गणना 6 नवंबर को होगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे निरुपमा पांडे की। विंग कमांडर निरुपमा पांडे एक भारतीय पर्वतारोही हैं। वह 25 मई 2011 को 10:15 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली वह बिहार की पहली और एकमात्र शख्सियत हैं। उन्होंने 25 मई 2011 को दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर बिहार की ओर से भारत का तिरंगा लहराया। निरुपमा की इस उपलब्धि के साथ बिहार देश का ऐसा 13वां राज्य बना है जहाँ के लोगों ने एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरा करने का गौरव हासिल किया है। उन्होंने इसके अलावा लेह में माउंट स्टोक कांगड़ी 6121 मीटर और माउंट गोलब कांगड़ी 6100 मीटर, गढ़वाल में माउंट कामेट 7757 मीटर, माउंट अभिगामीन 7357 मीटर और लद्दाख में माउंट सासेर कांगड़ी प्रथम 7672 मीटर, माउंट त्रिशूल 7120 मीटर गढ़वाल क्षेत्र का, माउंट मनीरंग 6593 मीटर हिमाचल क्षेत्र पर चढ़ाई की है। निरुपमा पांडे का जन्म सिवान जिले के जामू जलालपुर गांव में हुआ था। राजगीर में 3 दिवसीय 554वां प्रकाश वर्ष शुरू। नालंदा के राजगीर में सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव के जन्म दिवस पर आयोजित 554वां प्रकाश उत्सव बीते दिन गुरुवार से प्रारंभ हो गया है। आयोजन में हिस्सा लेने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं आज भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं 5 नवंबर को मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई गणमान्य लोगों के शामिल होने की संभावना है। वहीं प्रकाश पर्व के दौरान श्रद्धालुओं के लिए आवास सहित गुरुद्वारा तक आने जाने के लिए निःशुल्क 50 ई-रिक्शा को रिजर्व में रखा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर यहां 24 घंटे CCTV कैमरे से निगरानी की जा रही है। यहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
इस व्यवस्था से कम होगी कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या। अब वारंट की ट्रैकिंग का जिम्मा सीआईडी को सौंपा जाएगा। इससे ये होगा कि अब कोई वारंट दब नहीं पाएगा और कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या कम होगी। राज्य स्तर पर पुलिसिंग को पीपल्स फ्रेंडली बनाने के लिए वारंट ट्रैकिंग को लागू किया जा रहा है। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक सीआईडी जितेंद्र कुमार को इसका प्रस्ताव तैयार करने का जिम्मा मिला है। वारंट ट्रैकिंग सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस मुख्यालय से लेकर थाना स्तर तक के अधिकारी यह जान सकेंगे कि किस कोर्ट ने किस मामले में किस व्यक्ति के लिए वारंट जारी किया है। इससे कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या कम होगी। आज से शिक्षक अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन। शिक्षक अभ्यर्थी आज यानी 4 नवंबर से राजधानी पटना में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर गर्दनीबाग में शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। ज्ञात हो कि शिक्षा विभाग ने इसी साल 26 मई को ही जुलाई के अंत तक विज्ञापन जारी करने संबंधित शेड्यूल जारी किया था, लेकिन अब तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुआ है, जिसके बाद शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से आंदोलन का राह चुना है। सीएम रहने के दौरान 17 साल बाद सोनपुर मेला का उद्घाटन करेंगे नीतीश कुमार। 17 साल बाद या यूं कह लें कि डेढ़ दशक से ज्यादा गुजर जाने के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र के सोनपुर मेले का उद्घाटन करने सोनपुर पहुंच सकते हैं। हालांकि कार्यक्रम को प्रशासनिक स्तर पर कन्फर्म तभी माना जाता है जब मिनट टू मिनट की चिट्ठी अधिकारियों के हाथ लग जाती है। अधिकारियों का मानना है कि सीएम के आने की संभावना है, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है। लेकिन सीएम के आने की भनक से प्रशासन चौकस है। खास तौर से सोनपुर के एसडीएम और एडिशनल एसपी लगातार मेले में मौजूद और तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। मेले की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि आगामी 6 नवंबर को ही मेले का उद्घाटन किया जाना है। काले बुद्ध की प्रतिमा इस वजह से है बेहद खास। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर के पास एक आधुनिक मंदिर जिसका नाम काला बुद्ध मंदिर या स्थानीय लोगों द्वारा तेलिया भैरव के रूप में भी कहा जाता है। तेल एक सुरक्षात्मक कोटिंग के रूप में तेल के उपयोग को संदर्भित करता है। मंदिर 14 के पास उभरा है, जिसमें भूमिस्पाड़ा मुद्रा में एक प्राचीन बड़ी काली बुद्ध छवि है। इसी मंदिर ने कनिंघम की 1861-62 ASI की रिपोर्ट में बैतक भैरव को बताया, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि बुद्ध की छवि तब भी स्थानीय लोगों द्वारा पूजा में थी, जिससे नालंदा के खंडहरों में धार्मिक गतिविधि की निरंतरता का सुझाव दिया गया था। थाईलैंड में मंदिरों में काले बुद्ध की छवि की प्रकृतियाँ स्थापित की गई हैं। राजद उम्मीदवार के खिलाफ दायर रिट याचिका पर आज होगी सुनवाई। गोपालगंज से आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध दायर रिट याचिका पर पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। यह सुनवाई सुबह 10:30 बजे ऑनलाइन मोड में शुरू की जाएगी। दरअसल गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से आने वाले एक स्थानीय मतदाता दीपू कुमार सिंह द्वारा विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता द्वारा नामांकन के दौरान गलत जानकारी देने के आरोप में याचिका दाखिल किया गया था। दायर किए गए इस याचिका पर जस्टिस मोहित कुमार शाह सुनवाई करेंगे। बेरोजगारी दर में इस स्थान पर पहुंचा बिहार। बिहार के बेरोजगारी दर में कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिला है। बिहार 14.05% बेरोजगारी दर के साथ देश में छठे स्थान पर है। वहीं पड़ोसी देश झारखंड 16.5% बेरोजगारी दर के साथ पांचवें स्थान पर है। बता दें कि देश में बेरोजगारी दर पर काम करने वाली एकमात्र संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा जारी की गई ताज़ा रिपोर्ट में यह पता चला है कि बिहार की बेरोजगारी दर 14.5% हो गई है। वहीं देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में है, जो कि 31.8% पर पहुंच गई है। दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे पर जम्मू कश्मीर, चौथे पर त्रिपुरा है। इसके अलावा असम, हिमाचल, तेलंगाना, झारखंड और बिहार में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से कम रही। इन दो IPS अधिकारियों का हुआ तबादला, मिला अतिरिक्त कार्यभार। गृह विभाग द्वारा बिहार के दो IPS अधिकारियों का तबादला किया गया है, साथ ही उन्हें अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। इस संबंध में बीते दिन गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई के पुलिस उपाधीक्षक रंजनीश कुमार और मुंगेर के पुलिस उपाधीक्षक सोमनाथ प्रसाद का तबादला विशेष सुरक्षा दल पटना में किया गया है, जबकि पुलिस अधीक्षक यातायात पटना अनिल कुमार को पुलिस अधीक्षक रेल पटना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं समादेष्टा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 13 दरभंगा सैशव यादव को पुलिस अधीक्षक रेल मुजफ्फरपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बिहार में नवंबर के दूसरे सप्ताह से तेजी से गिरेगा पारा। बिहार में इस महीने से कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होने वाला है। नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह से राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे राज्य में पछुआ हवा का प्रवाह बना है, लेकिन पछुआ की गति
6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कम होने के कारण फिलहाल तापमान में कोई खास गिरावट नहीं होगी। इसकी वजह से प्रदेश का मौसम अगले 5 दिनों तक शुष्क बना रहेगा। अभी आसमान मुख्य रूप से साफ रहने के साथ सुबह और शाम में लोगों को हल्की ठंड का एहसास होगा, लेकिन अगले 5 दिनों तक दिन और रात के तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद पारे में गिरावट के आसार हैं। प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 30 से 32 व न्यूनतम 18 से 20 डिग्री रह सकता है। नैक से बेहतर ग्रेडिंग के लिए विश्वविद्यालय को करना होगा यह काम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC और बिहार शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालय का अनिवार्य रूप से नैक मूल्यांकन का निर्देश दिया है, लेकिन अब तक कोई भी कॉलेज नैक के मानक पर जांच में खड़े उतरने लायक नहीं है। मानक पर खड़ा उतरने के लिए दरअसल तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय 10 अंगीभूत कॉलेजों से इंटरमीडिएट की कुल 12,288 सीटों को हटाना होगा। दरअसल सरकार स्तर से कॉलेजों में PG की पढ़ाई शुरू करने को लेकर निर्देश है। अब स्नातक और PG की कक्षाओं वाले कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसरों को मजबूरीवश इंटर की कक्षाएं भी लेनी होती है। इससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। वे पूरा समय कॉलेज के विद्यार्थियों को नहीं दे पा रहे हैं। यही वजह है कि बेहतर ग्रेडिंग पानी है तो विश्वविद्यालय को इंटर की सीटें कम करनी होगी। केवल 10 रुपए में मिलेंगे किसानों को व्यावसायिक प्रजाति के पौधे। बिहार सरकार ने अनोखी पहल की है, जिसके तहत अब राज्य के किसानों को सरकार 10 रुपए में व्यावसायिक प्रजाति के पौधे देगी। इससे जुड़ी विशेष जानकारी के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट www.forestonline.bihar.gov.in पर विजिट करना होगा। दरअसल पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना के तहत इस पहल को शुरू की है। इसके तहत राज्य के किसान को वन विभाग के स्थानीय कार्यशाला से 10 रुपए प्रति पौधे की दर से नगद राशि देकर विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रजाति के पौधे प्राप्त कर सकते हैं। राजद प्रत्याशी मोहन गुप्ता ने 11 लोगों पर दर्ज कराया FIR। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में राजद प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता ने 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाने में दिए गए आवेदन में उन्होंने आरोपियों पर नामांकन रद्द होने की अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि गोपालगंज जिले में राजद प्रत्याशी के नामांकन रद्द होने की अफवाह उड़ाई गई थी। सोशल मीडिया में पटना हाईकोर्ट का हवाला देकर अफवाह फैलाया गया था। हालांकि गोपालगंज DM की ओर से कहा गया था कि कोर्ट से नामांकन रद्द होने की कोई जानकारी नहीं है, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। मामले के सामने आने के बाद DM ने भी कहा था कि अफवाह उड़ाने वालों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार पर CM नीतीश का सियासी वार। बीते दिन गुरुवार को उर्दू कर्मियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे CM नीतीश ने भाजपा वाली केंद्र सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया है। CM नीतीश ने भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार पिछड़े राज्यों की कोई मदद नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की बहुत पुरानी मांग है विशेष राज्य का दर्जा, पर केंद्र इस मांग पर चुप्पी साध चुका है और कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला होता तो यहां और भी ज्यादा विकास होता। महागठबंधन सरकार का पक्ष लेते हुए नीतीश ने कहा कि वे अपने बल पर राज्य का विकास कर रहे हैं। सम्राट चौधरी का महागठबंधन सरकार पर आरोप। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से एक तरफा भाजपा ने महागठबंधन पर हमला बोलने से कभी नहीं चूका। इस बीच विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने डिप्टी CM तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन सरकार पर यह आरोप लगाया है कि नौकरी NDA सरकार में मिली लेकिन नियुक्ति पत्र महागठबंधन सरकार बांटी जा रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि CM नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने मिलकर नौकरी देने की जो नई तरकीब निकाली है वह सिवाय युवाओं की आंख में धूल झोंकने के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि NDA के कार्यकाल में भाजपा के मंत्रियों की ओर से अलग अलग विभाग में नौकरियों की बहाली की गई थी। CM नीतीश और तेजस्वी उसी को भुना रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिन जिन लोगों को NDA सरकार में नौकरी मिली थी उन्हें ही CM नीतीश और तेजस्वी की ओर से नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। ये लोग NDA के बोए फसल को काट रहे हैं। तेजस्वी का ऐलान, आने वाले समय में लाखों भाइयों के चेहरे पर लाएंगे मुस्कान। बीते दिन उर्दू अनुवादक और अन्य उर्दू कर्मियों को नियुक्ति पत्र देने पहुंचे डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने कहा कि वो आने वाले समय में लाखों भाइयों के चेहरों का मुस्कान लौटाएंगे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी CM ने नवनियुक्त उर्दू अनुवादकों को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लाखों भाइयों के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री यह काम कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, नौजवानों को काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी देश का दुश्मन है। बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोगों का प्रयास है कि जितने भी विभाग हैं उनमें जो रिक्त पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए।
सुधाकर सिंह ने कहा किसानों के लिए मंत्री पद किया कुर्बान। अपनी ही सरकार से मांगे हुए महागठबंधन सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि मैंने किसानों के लिए यह पद कुर्बान कर दिया और जरूरत पड़ी तो आगे भी कुर्बानी दूंगा। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने किसानों के लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि मैंने किसानों के लिए मंत्री पद तक कुर्बान कर दी। दिल्ली में जो किसान आंदोलन चला उसमें कोई भी पार्लियामेंट्रियन नहीं था। बिना किसी पार्लियामेंट्रियन के आंदोलन 13 महीने चला। भारत सरकार देश के भले के लिए उनके आगे झुक गई। इसलिए मैं कहता हूं कि जो किसान के हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आज से उपेंद्र कुशवाहा के सद्भावना बचाओ देश बचाओ का दूसरा चरण। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सह विधान पार्षद उपेंद्र कुशवाहा सद्भावना बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम 4 नवंबर यानी आज से आरंभ करेंगे। यह कार्यक्रम 4 दिन तक चलेगा। सद्भावना बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम के पहले चरण में उपेंद्र कुशवाहा का कार्यक्रम कैमूर, रोहतास, बक्सर और अन्य इलाकों में हुआ था। दूसरे चरण में उपेंद्र कुशवाहा टीम के साथ 4 जिलों का दौरा करेंगे। इन जिलों में चौपाल भी लगाई जाएगी। पार्टी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में उपेंद्र कुशवाहा का सद्भावना बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम कथित रूप से भाजपा की सामाजिक राजनीति के खिलाफ है। विराट कोहली पहली बार इस अवार्ड के लिए हुए नामित। बीते दिन गुरुवार को भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली को पहली बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामित किया गया है। यह परिणाम विराट के फॉर्म में वापसी का है। बता दें कि अक्टूबर के कैलेंडर महीने में 205 रन दर्ज करते हुए विराट ने अपने बेहतरीन फॉर्म की झलक दिखाई। वह सिडनी में नीदरलैंड के खिलाफ नाबाद 62 रन बनाने में सहज दिखे। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए 53 गेंदों में नाबाद 82 रनों के अविस्मरणीय पारी खेली, जिसे T20 में अब तक देखी गई सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक के रूप में इंगित किया गया। वहीं कोहली की तरह मिलर को भी पहली बार इस सम्मान के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन दोनों के अलावा जिम्बाब्वे के हरफन मौला सिकंदर रजा को भी इस सम्मान के लिए नामित किया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। मुगल शासक औरंगजेब का जन्म 1618 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म 1845 में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी भाई परमानंद का जन्म 1876 में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल का जन्म 1889 में हुआ। साहित्यकार एवं स्वतंत्रता सेनानी सुदर्शन सिंह चक्र का जन्म 1911 में हुआ। लेखक और फिल्म कर्मी ऋत्विक घटक का जन्म 1925 में हुआ। शकुंतला देवी मानसिक परिकलित गणितज्ञ शकुंतला देवी का जन्म 1929 में हुआ। प्रसिद्ध संगीतकार शंकर जयकिशन का जन्म 1932 में हुआ। भारतीय सिनेमा की एक उच्च श्रेणी की महिला फिल्मकार विजया मेहता का जन्म 1934 में हुआ। फिल्म अभिनेत्री तब्बू का जन्म 1971 में हुआ। प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित शंभू महाराजा का 1970 में निधन हुआ। दिल्ली में 1822 में जल आपूर्ति योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ हुआ। वायरल खबर में आज बात होगी दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में फर्जी दावा किया जा रहा है कि दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि इस परियोजना के संबंध में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह परियोजना अभी भी विचाराधीन है। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी ने आखिरकार उस शानदार फीचर को रोल आउट करना शुरू कर दिया है जिसका यूजर्स को लंबे समय से इंतजार था। अब यूजर एक साथ 32 लोगों से वीडियो कॉल के जरिए कनेक्ट हो सकेंगे। वहीं अब ग्रुप में 1024 यूजर्स के साथ चैटिंग की जा सकती है। साथ ही कंपनी ने व्हाट्सएप में पोल क्रिएट करने वाले फीचर को भी रिलीज कर दिया है। व्हाट्सएप में बीते दिन 3 और नए फीचर की एंट्री हुई है। इनमें इन चैट पोल क्रिएट करने के अलावा 32 लोगों के साथ वीडियो कॉलिंग और 1024 यूजर्स के साथ ग्रुप चैट करना शामिल है। इमोजी रिएक्शन, लार्ज फाइल शेयरिंग और एडमिन डिलीट जैसे खास फीचर्स को भी अब किसी भी ग्रुप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शंकर मुखिया, उमेश ऋषिदेव, अतीक खान, राजीव कुमार, सुधीर महतो, रविंद्र कुमार, मंगिता भारती, अखिलेश यादव, मनोज कुमार, निशा सिन्हा, सिंटू कुमार, सुशील कुमार और आलोक कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार मुकामा गोपालगंज विधानसभा सीट पर किसकी जीतने की संभावना अधिक है, भाजपा या फिर महागठबंधन? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।